हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले जेएसएस नोएडा के बारे में। जेएसएस नोएडा इज सिचुएटेड इन सेक्टर 62 नोएडा। दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1998। ये जो कॉलेज है दिस इज एआईसीटीई अप्रूव्ड एंड एफिलिएटेड टू एकेटीयू। अगर टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो करीबन 4000 स्टूडेंट्स इस कैंपस में पढ़ते हैं। अराउंड 250 फैकल्टीज जो है एंड ऑल द फैकल्टीज आर वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड। अगर कैंपस की बात करें दिस कैंपस इज ऑलमोस्ट 16 एकर कैंपसेस। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और जो बाकी अमेनिटीज़ बाकी कॉलेजेस में होता है, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ऑल दिस फैसिलिटीज इज ऑल्सो अवेलेबल। सो इट्स कैंपस वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। नाउ द क्वेश्चन इज कौन सी प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने वाले, बीटेक प्रोग्राम के बारे में। बीटेक में देर आर नंबर ऑफ कोर्सेस लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, यू नो, सिविल। बट मेन फोकस जो स्टूडेंट ऑफ लेट इज चूजिंग फॉर इज कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ईसीए। अगर देखिए कंप्यूटर साइंस की बात करें और यू नो आईटी एंड ईसी, टोटल जो स्ट्रेंथ है मैं यहाँ पे मेंशन कर रखा हूँ। यू कैन यू नो पॉज दिस वीडियो एंड सी कि हाउ मेनी सीट्स आर अवेलेबल ईच ऑफ द कोर्सेज। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज जो है एमबीए अक्रेडिटेड हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस, वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। यू कैन लुक एट इट एंड आफ्टर दैट यू कैन चूज विच कोर्स दैट यू वांट टू गो फॉर। जहाँ तक फीस की बात है, देखिए द टोटल फी इज 1,37,850 रुपीज़। अलॉन्ग विद दैट आपको हर सेमेस्टर में फीस देना पड़ेगा, दैट इज एग्जामिनेशन चार्जेस। तो कुल मिला के अगर आपकी ईयरली देखा जाए तो अराउंड 1,45,000 की फीस जो है आपको इनकर करना पड़ेगा फॉर बीटेक प्रोग्राम इन जेएसएस नोएडा। The most important part the student want to know is placements. अगर placement की बात करें, total जो offer पिछले साल हुआ था around 650 offers has been given to the students, out of which 63% जो students हैं उनको placement मिली है। अब ये 63% आप you know बहुत सारे students सोचते होंगे 100% placement तो है नहीं। अब 63% में आपका civil, mechanical, electrical वो भी included है, लेकिन स्टूडेंट्स जो यू नो सी एस, आई टी, ई सी ये प्रोग्राम के लिए यू नो देख रहे हैं तो उसको मैं बता देता हूँ, उसके लिए अराउंड 85-90% प्लेसमेंट्स इज देयर। और हाईएस्ट प्लेसमेंट जो पिछले साल हुआ था वो अमेजोन में हुआ था, 27 लाख अराउंड। एंड ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट्स अगर देखा जाए टॉप यू नो जैसे मैंने सी एस, आई टी, ई सी की बात किया तो उसके अराउंड 5.5 एंड बाकी अदर कोर्सेज जो अवेलेबल है सिविल, मैकेनिकल की जो एवरेज सैलरी वो 3.5 की एवरेज सैलरी है। The lowest salary from the campus has been 3 lakh rupees. So it's a not very you know let's say very high demanding in terms of placement, but in Delhi NCR अगर बात करें Delhi NCR में one of the top colleges है और BTech program में 5.5-6 lakh placement बहुत अच्छी मानी जाती है। So if you are looking for admissions in computer science, IT and EC, then this is the one option that you should consider. अब आती है admission procedure के बारे में। देखिए आपको फीस मालूम पड़ गया, प्लेसमेंट्स इज यू नो देयर एंड हाउ टू टेक एडमिशन्स। इन एडमिशन्स के लिए आपको देखिए 85% जो सीट्स है वो रिजर्व है फॉर काउंसलिंग एंड 15% जो सीटें हैं वो रिजर्व है फॉर मैनेजमेंट कोटा। अब 85% सीट में अगर एडमिशन चाहिए, आपको चाहिए जेई मेन्स की रैंक, जेई मेन्स की रैंक के बेसिस पे आपकी एडमिशन्स होगी। बाकी जो 15% सीट्स है उसके लिए आपकी 12th की बेसिस पे, कुछ कुछ केसेस में जेई मेन्स की रैंक भी कंसिडर किया जाता है, बट मेनली आपकी 12th की जो पीसीएम है पीसीएम की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अब मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन्स के लिए और क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं है, मैनेजमेंट कोटा के साथ आपकी वैकेंसीज भी अवेलेबल होता है कभी कभी, उस पर भी आपको एडमिशन्स मिल सकती है अलग से। मान लीजिए आपकी रैंक फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो जनरली आपकी जो रैंक होना चाहिए 50-60 हज़ार से नीचे होना चाहिए इन जेई मेन्स। अगर वो नहीं है बट 12th में आपकी परसेंटेज अच्छी है और लेट्स अराउंड अबाउट 80-85 है तो उस पर एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, उसके रिगार्डिंग यू नीड टू कंसल्ट विद अ प्रॉपर यू नो जो काउंसिलर्स होते हैं। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर, जो हमारे आपकी स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और हमारे जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर एक फॉर्म है वो उसको फिलअप करिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर काउंसिलर। वी विल गिव यू अ प्रॉपर गाइडेंस की इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर द प्रोसीजर दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ ताकि आपको एडमिशन्स मिल सके कंप्यूटर साइंस, आई टी, ई सी में, ठीक है। सो दिस आर स्मॉल इन्फॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी और कॉलेज के बारे में, तब तक के लिए आपने ख्याल रखिया, सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो। थैंक यू सो मच, नमस्कार।